मुरादाबाद किसान चौपाल को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और विपक्ष को घेरते हुए जोरदार हमला बोला, अभी तक हमने लोगों को संविदा पर नौकरी करते हुए देखा, अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है। जो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं वो फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने उन्हें मवाली जैसा बना दिया है, इसलिए वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे हैं। खुशी की बात ये कि देश प्रदेश की सरकारों पर लोगों का विश्वास कायम है, उनका यही विश्वास कांग्रेस एंड कंपनी और सपा बस पर उनके चंपू और चाटुकार भी शामिल हैं, वो सब बौखलाहट और हताशा में हैं। हाथरस प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि जो भी गुनहगार है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। हाथरस मामले में PFI और दूसरे संगठनों के नाम आने पर बोले कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि ना नौमन सेल होगा और ना राधा नाचेगी। राहुल गांधी को आदत बहुत खराब लग गई है, उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान एक बिल की कॉपी संसद के अंदर फाड़कर नॉनसेंस कहा था। राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए, ये उनकी मम्मी जी या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। वहीं मंच संभालते ही वो हमलावर मूड में नजर आए और बोलना शुरू कर दिया कि इस बिल ने अन्नदाता को स्वतंत्र किया है और कांग्रेस इनके बीच भ्रम पैदा कर रही है। बोलना तो मैंने बोला है, मैं 3-4 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी तक हमने संविदा पर जो है वो लोगों को काम करते हुए नौकरी करते हुए देखा, अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है। और ये वो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं जो फुल टाइम सिद्धि और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने जो है उनको मवाली जैसा बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश, किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश कि मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान, और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, BSP भी है, और उनके जो है वो चंपू और चाटुकार सभी लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। मुझे इसके अलावा मैंने और चीज़ें कही हैं उसके, आपको मैंने कुछ सर हाथरस में DM पर आरोप लगाया पीड़ित परिवार ने, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई DM पर हाथरस के, कब तक कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, हाथरस के मामले में बहुत एक संवेदनशील मामला है, दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, शर्मनाक करता है, और जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जो भी गुनाहगार की बात मैं जब कह रहा हूँ तो आपने सरकार की तरफ से देखा होगा कि जो दोषी हैं वो तो हैं ही, जिन्होंने लापरवाही की है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर, ये किसान चौपाल है क्या? किसान को उत्तर प्रदेश सरकार दाम नहीं दे पा रही जो दूसरे राज्यों में जाके अपना फसल बेचेगा? उत्तर प्रदेश में वो बेचना चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप, मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से? सर, तो ट्रैवलिंग अलाउंस तो पड़ेगा ना, गरीब किसान, छोटा किसान की बात कर रहा हूँ। 10 बीघे का किसान अपनी फसल कैसे लेके जाएगा दिल्ली? ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बाद भी आपको सस्ता पड़ रहा है तब? सर राहुल गांधी आज की एजेंसी का खुलासा भी हुआ है जिसके अंदर में इस्लामिक जो मुल्क है उनसे फंडिंग का मामला सामना है, क्या योगी सरकार और मोदी सरकार को आरोपित मानने के लिए, घेरने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है? देखिए, मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ झाला तो है। जो जो घटना हुई वो शर्मनाक है, जो घटना में गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी,
लेकिन जो बात का बतंगड़ और जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर। राहुल गांधी ने कहा है कल कि बिल अगर सरकार आती है तो बिल में उसमें कचरे में फेंक दूंगा तीनों बिल। राहुल गांधी का बयान आया ना, नौ मन तेल होगा और ना राहुल गांधी ये काम कर पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी जी की आदत बहुत ख़राब लग गई है। मनमोहन सिंह जी थे जी जैसे शरीफ प्रधानमंत्री थे तो उनके अध्यादेश को जनता के बीच में से फाड़ के नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के फेंक देते थे। तो उनको जो है वो सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनके मम्मी जी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। एक सवाल